स्टूडेंट जो है आज हम लोग जो है क्लास सिक्स का चैप्टर 14 द स्काई आकाश ये ठीक है बच्चों, ये चैप्टर 14 द स्काई ओ वंडरफुल स्काई सम टाइम्स यू आर ब्लू ओ अद्भुत आकाश कभी कभी तुम नीले हो सम टाइम्स यू आर व्हाइट कभी कभी तुम सफेद हो सम टाइम्स यू आर सो क्लाउडी कभी कभी तुम बादलों से भरे हुए हो इन द मॉर्निंग आई सी यू विथ ए वार्म सन सुबह को मैं देखता हूँ एक गर्म सूरज के साथ इन द नून आई सी यू विथ ए ब्राइट हॉट सन दोपहर को मैं तुम्हें देखता हूँ एक चमकीले गर्म सूरज के साथ है ना। इन द इवनिंग आई सी यू विथ ट्विंकल स्टार शाम को मैं तुम्हें देखता हूँ झिलमिलाते हुए सितारों के साथ एंड और विथ ए कूल मून आई लाइक यू बेस्ट देन ओह वंडरफुल स्काई और ठंडे चांद के साथ तब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ ओह अद्भुत आकाश है ना। ये जो है इससे चैप्टर 14 से ये था वो वंडरफुल स्काई। देखिए इसका हम लोग आज क्या करेंगे जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों पहले है ना। देखिए चैप्टर एक्शन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों देखिए पार्ट ए में है देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ठीक है बच्चों। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वन कह रहा है कि हाउ इज द स्काई different how is the sky different in different parts ठीक है ऑफ द डे आंसर देखिए बच्चों इसका कह रहा है हाउ इज द स्काई डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे ठीक है। Sometimes the sky wonderful sky sometimes Sometimes wonderful sky. Sometimes you are
You are blue. Sometimes you are blue. Wonderful sky. Sometimes you are blue. Sometimes. Sometimes. नहीं अट रहा है बच्चों, चलिए इसको हम लोग यहां से कर देते हैं. Sometimes sometimes you are white sometimes you are white sometimes sometimes you are so cloudy so cloudy ठीक है. Wonderful sky sometimes you are blue sometimes you are white sometimes you are so cloudy ठीक है. ये अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू का आंसर लिखा जाए. ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है ना. जो क्वेश्चन नंबर टू है देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है हाउ इज द स्काई, हाउ इज द स्काई इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हाउ इज द स्काई इन द मॉर्निंग है ना. इसका देखा जाए बच्चों, इन द स्काई स्काई इन द मॉर्निंग The sky is in the morning. The sky is in the morning. In the morning. In the morning. With a warm sun. ठीक है. The sky is in the morning with a warm sun. ठीक है, ये हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखे बच्चों. क्वेश्चन नंबर थ्री है How is the sky in the evening?
इन द इवनिंग इवनिंग। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर लिखा जाए। हाउ इज द स्काई इन द इवनिंग, द स्काई इज इन द इवनिंग विथ ट्विंकलिंग with twinkling stars। ठीक है बच्चों, ये द स्काई इज इन द इवनिंग विथ ए ट्विंकलिंग स्टार, ये हो जाएगा बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के आंसर पे हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे है why does the poet why does the poet call in the sky wonderful, ठीक है। इसका आंसर देखें बच्चों, why does the poet call in the sky wonderful, the poet calls the sky wonderful because sometimes sky are blue, sometimes sometimes you are white
white sometimes and sometimes in some times means sometimes the sky are sorry बच्चों यहाँ दूसरी जगह sky होगा sometimes sky sometimes sky are blue sometimes sky are white and sometimes sky are so cloudy sometimes sky are sometimes sky are so cloudy ठीक है The poet calls the sky wonderful because sometimes sky are blue, sometimes sky are white, and sometimes sky are so cloudy. इसीलिए कहा गया है ना ठीक है ये था बच्चों आइए हम लोग करते हैं पार्ट बी में देखिए बच्चों पार्ट बी पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट बी है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है देखिए बच्चों पहला स्टेटमेंट है कह रहा है समटाइम्स you are blue sometimes you are blue जो दूसरा है बच्चों को स्टेटमेंट कह रहा है sometimes you are so यहां भरना है क्या भरा जाएगा you sometimes you are so cloudy cloudy sometimes you are so cloudy है sometimes भरना है बच्चों cloudy cloudy sometimes you are so cloudy ये तीसरा स्टेटमेंट है बच्चों इन द मॉर्निंग आई सी यू With a Watson. ये भरना है In the morning, I see you with a Watson. और चौथा स्टेटमेंट है बच्चों In the noon, I see you, भरना है बच्चों with a
ब्राइट विथ ए ब्राइट हॉट सन, ठीक है, विथ ए ब्राइट हॉट सन। पांचवा स्टेटमेंट है बच्चों, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग आई सी यू, इन द इवनिंग आई सी यू, भरना है इसमें आई विच, भरा जाएगा विथ ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग विथ ट्विंकलिंग स्टार्स, ठीक है, विथ ए ट्विंकलिंग स्टार्स इन द इवनिंग। अब देखिए बच्चों यहां पे देखेंगे आप, समटाइम्स यू आर क्या बनाया जाएगा, ब्लू, और दूसरे में समटाइम्स यू आर सो क्लाउडी, क्लाउडी भरा गया। तीसरे में है इन द मॉर्निंग आई सी यू विथ ए वार्म सन, ठीक है। चौथे में है इन द नून आई सी यू विथ ए ब्राइट हॉट सन, ठीक है। और पांचवे में है इन द इवनिंग आई सी यू विथ ट्विंकलिंग स्टार्स, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो ग्रामर का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में यानी कल कराएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।